इनको रगड़ दूं। और जिनको रगड़ना था वो कौन थे? काफिर थे, मुशरिक थे। जो रब काफिर को नहीं रगड़ता मुस्तफा के पूछे बगैर, वो रब हम अंगूठे चूमने वाले को कैसे रगड़ेगा मुस्तफा के पूछे? कल सारी सरकार दिए, बोलो कल सारी सरकार दिए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात पूछता हूँ मैं आप सबसे, आप ये मुझे बताओ कि आप सब में से कोई ऐसा शख्स है जिससे कभी कोई गुनाह ना हुआ हो, जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो? कोई कह सकता है कि मैंने सारी जिंदगी कोई गलती की नहीं? अच्छा ये बताओ, नहीं कह सकता ना, नहीं ना। अच्छा ये बताओ, रोजी मिल रही है? बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक रोजी मिल रही है। कभी ऊपर से पत्थर तो नहीं गिरे? कभी घर में पानी पीने आए हो तो मटकों में से खून तो नहीं निकला? कभी आटा जिस बर्तन में रखते हो इसमें से मेंढक तो नहीं निकला? तो अकल को हाथ मारो, जो पहले थे वो भी बंदे रखते ही थे, उनका भी रब अल्लाह ताला ही था, मगर जब से सरकार आए हैं तब से कभी किसी की शक्ल बिगड़ी है? नहीं। ते फिर समझो गल सारी सरकार दिए। सुभान अल्लाह, सरकार दिए। मेरे बुजुर्गो समझ आ रही है? मेरे बुजुर्गो बस हजूर पाक से मोहब्बत करनी है, अंकल जी बस हजूर पाक से मोहब्बत करनी है, वरना नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी, रोजे मुंह पर मार दिए जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर हजूर की दिल में मोहब्बत नहीं होगी, खुदा की कसम सारे जहां के मौलवियों को इकट्ठा करे, उनसे ये मसला पूछे, जब नमाज काम ना आएगी तो फिर क्या होगा? जब रोजा काम ना आएगा तो फिर क्या होगा? जब हज काम ना आएगा तो फिर क्या होगा? मेरे बुजुर्गों ने ये नहीं कहता कि नमाज काम नहीं आएगी, मैं ये भी नहीं कहता कि रोजा काम नहीं आएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि हज काम नहीं आएगा, मगर मैं हाथ जोड़ कर इस पूरी उम्मत के मुसलमानों से पूछता हूँ, जब कोई काम ना आएगा तो फिर बताना कौन काम आएगा? मान लिया कि नमाज काम आएगी, मान लिया कि रोजा काम आएगा, और मान लिया कि हज काम आएगा, लेकिन अब ये भी तो मानना कि कई नमाजी जहन्नम में जाएंगे, कई रोजादार जहन्नम में जाएंगे। फवैलुल लिलमुसल्लीन कुरान में मौजूद है, तो फिर बताना जब नमाज रुक जाए, जब हज रुक जाए, जब ज़कात रुक जाए, तो फिर कौन काम आएगा? ऐ मेरी दीवानगी पे हंसने वाले, जब कोई काम ना आएगा तो मेरे आका करीब अपने सर को झुका दे।